Here in this case, it says that the initial velocity of a particle moving along a straight line is how much? 10 meter per second. तो इसका मतलब तो हो गया u. Retardation, retardation is nothing but negative of acceleration. So यहाँ पे a की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी? -2 meter per second square. U is 10 meter per second. The distance moved by the particle in the 5th second of its motion is. Distance moved हमें निकालना है कितने seconds में? 5th second. मतलब क्या हो गया यहाँ पे? N की वैल्यू क्या मानी जाएगी? 5. और फॉर्मूला इज u प्लस a ओवर 2 एंड देन इन ब्रैकेट वी हैव 2n-1. u इन दिस केस इज 10 प्लस a. a की वैल्यू कितनी है हमारी? -2 डिवाइडेड बाय 2. सो दिस इज 1 एंड इन ब्रैकेट यू वुड हैव 2 × 5 - 1 वुड बी देयर. सो 10 इज देयर, -1 इज देयर और ब्रैकेट सॉल्व करने पे यू वुड गेट 9, क्योंकि 2 × 5 = 10, 10 - 1 = 9. अब 1 और 9 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो यू वुड गेट 10 - 9 = 1. तो इसका मतलब क्या हो गया? हमारे पास डिस्टेंस मूव्ड कितना होगा? ओनली 1 मीटर.